प्रयागराज के मेजा की ओर ले चलते हैं, जहां पर तहसील क्षेत्र के नेशनल हाईवे 76 पर दूर जनपदों से लोग पैदल ही अपने घरों की ओर झुंड के झुंड प्रस्थान करते दिखाई दे रहे हैं, जो कई दिनों से बिना खाए पिए अपने अपने घरों को साधन के अभाव रवाना हुए। उनके दुख दर्द को समझते हुए शीतला हॉस्पिटल रामनगर के निदेशक व उनकी टीम में शामिल मन्नू यादव, नीरज श्रीवास्तव, राम बाबू गौड़ व दक्ष प्रजापति आदि लोगों ने आवागमन कर रहे लोगों का हाथ सैनिटाइजर से साफ कराकर टेम्परेचर नापते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर लगभग 300 खाने का पैकेट व पानी का बोतल वितरित किया। इस अवसर पर मेजर रोड चौकी प्रभारी चंद्रभानु, सब इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह के द्वारा भी पैदल यात्रियों को खाने का पैकेट वितरित किया गया। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज मेजा से संवाददाता गिरीश चंद शर्मा की खास रिपोर्ट। लालगंज क्या करती है यहाँ? इटागारा की मजदूरी करती हैं। तो ये सड़वा नैनी में पड़ता है, नैनी से आप लाल जा रही हैं, वहाँ से क्यों पलायन कर रही हैं, आप क्यों जा रही हैं वहाँ से? काम हो रहा है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप लोग जा रही हैं यहाँ से। आप कहाँ की रहने वाली हैं? लालगंज। क्या नाम है आपका? कितने जन हो आप लोग? 20-22 आदमी हैं। 20-22। कैसे पहुँचोगे घर? पैदल पैदल जाएंगे। पैदल जाओगे? पहले उठा चलो, खड़ी हो,